पार्टी का गठन हुआ तो जो अपार जन समर्थन लखनऊ पहुंच के उसका समर्थन किया उसके बाद ही ये कार्यक्रम लगने थे, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप आया एक नहीं दो चरणों में और पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब लॉकडाउन खुला है क्योंकि उस समय न तो सभाएं हो सकती थी, न जनसंपर्क किया जा सकता था, न भेंट मुलाकात हो सकती थी। तो पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को लेकर के हम लोग निकले हैं। अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन उनका आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्राएं शुरू की जाएंगी। तो देश के हर जनपद में ये कार्यक्रम रखे। महाराज आपकी यात्रा से किसका समीकरण बिगड़ने वाला? अरे हम क्यों बनावट तो बिगाड़े थोड़ा दिख रहा है, हम दर्शन के आशीर्वाद ले रामलला सरकार के ओकरे बाद के जनसंपर्क। कई पुराने साथी आपके साथ आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है जो आपके पुराने साथी जो होगी इस काम के माके आपके साथ रहेंगे, क्या है सबको जोड़ेंगे? इस तरफ इशारा वैसे नहीं समझ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं आप किसको कह रहे हैं। आप किस यात्रा से कहीं ना कहीं विपक्षियों के नील आराम हो गए, नील हो गए, ये कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, इसको कुछ कहना है आपको? प्रतापगढ़ हुई ये पार्टी है जनता, और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा, जितना फैलाव होगा, हर एक प्रतापगढ़ के निवासी के लिए ये गर्व और प्रसन्नता की बात है। तो अपने घर में स्नेह मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये तो हमारे लिए सुख की बात है और स्वाभाविक बात है।